Good morning, student. Today I am going to teach the second part of chapter 8, more about a sketch. In this part we will learn about building a sprint, understanding the stage, understanding a block and making a project. How to delete a sprint. There are two methods. ये दो method से, दो तरीके से हम लोग sprint को delete कर सकते हैं. First method, आप जैसे stretch option को stretch को open करते हैं, open करने के बाद आपका stretch dialog box open होता है. उस stretch dialog box पे आप देखते हैं सबसे जो untitled mark होता है, इसमें three buttons होती हैं. ये three buttons ये आपका फर्स्ट को हम मिनिमाइज बटन बोलते हैं, सेकंड को रीस्टोर आप मैक्सिमाइज बटन बोलते हैं, ये थर्ड जो है ये क्लोज बटन होता है. देन वी वांट टू डिलीट इट, देन क्लिक द क्लोज ऑप्शन फ्रॉम द स्क्रीन डायलॉग बॉक्स ऑन द राइट साइड. राइट साइड पर जो है ये क्लोज ऑप्शन होता है, उसको हम क्लिक करेंगे. तो क्वेश्चन कंप्यूटर आपसे पूछता है, डू यू वांट टू सेव द स्ट्रेच ऑप्शन एस आर नो. एस करते हो देन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर एंड राइट द फाइल नेम, सेविंग डॉक्यूमेंट फाइल नेम एंड देन क्लिक ऑन सेव बटन, योर स्ट्रेच ऑप्शन विल सेव. तो वो सेव हो जाएगा और आप बाहर हो जाएंगे. सेकेंड मेथड है, आप स्ट्रेच ऑप्शन को ओपन करेंगे और फिर जो है डिलीट ऑप्शन को क्लिक कर देंगे तो योर फाइल विल डिलीट. तो ये इस तरह से ये दो मेथड से आप हम लोग जो है इसको क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपको अंडरस्टैंडिंग द स्टेज. अंडरस्टैंडिंग द स्टेज में हम क्या करेंगे कि फर्स्ट हम लोग जानना चाहेंगे कि बैकड्रॉप क्या है, व्हाट इज द बैकड्रॉप. अंडरस्टैंडिंग स्टेज में एक ऑप्शन है बैकड्रॉप. बैकड्रॉप क्या है, मींस द बैकग्राउंड ऑफ स्टेज इज कॉल्ड अ बैकड्रॉप. बैकग्राउंड ऑफ स्टेज इज कॉल्ड बैकड्रॉप, मींस द स्टेज हैज ए व्हाइट बैकड्रॉप एंड वी कैन एड न्यू बैकड्रॉप्स फॉर द स्टेज यूजिंग द चूज ए बैकड्रॉप बटन. उसमें जब आप ओपन करेंगे तो उस ऑप्शन उसमें जो है आपको एक बटन दिखाई देगा जिसको कि हम लोग चूज अ बैकड्रॉप बटन बोलते हैं. एंड देन इन द बैकड्रॉप पैन, द बैकड्रॉप पैन इज लोकेटेड एट द बॉटम राइट साइड. बॉटम राइट साइड सबसे जो जहां पे हमारा टास्क बार होता है, उस टास्क बार के राइट साइड में आपको एक ये जो आपको बैकड्रॉप पैन है वो प्रेजेंट होता है. और बैकड्रॉप पैन को जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें ऑप्शन आपको देगा चूज ए बैकड्रॉप बटन. देन क्लिक द बैकड्रॉप बटन, योर द बैकड्रॉप ऑप्शन, बैकड्रॉप ऑप्शन विल अपीयर ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन पर अपीयर हो जाएगा. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकड्रॉप ऑप्शन लाइक चूज ए बैकड्रॉप एंड चूज अ बैकड्रॉप, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकड्रॉप. तो ये आपको जो है आपकी स्क्रीन पर इस तरह से ये बैकड्रॉप डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. और इस बैकड्रॉप डायलॉग बॉक्स से जिस बैकड्रॉप को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं यहां से चूज कर लेंगे. और चूज करने के बाद हम जो है उसको अप्लाई बटन के थ्रू अप्लाई कर देंगे, एडिट बटन के थ्रू एड कर देंगे, तो वो बैकड्रॉप जो है हमारा एड हो जाएगा. नेक्स्ट है पेंट ऑप्शन. दिस ऑप्शन लेट्स मी ड्रॉ ए न्यू बैकड्रॉप यूजिंग ए पेंट कलर एंड पेंट एडिटर, द ड्रॉ बैकड्रॉप इज एडेड टू द स्टेज. तो दिस ऑप्शन लेट्स यू ड्रॉ न्यू बैकड्रॉप. इफ यू वॉन्ट टू ड्रॉ द न्यू बैकड्रॉप, न्यू बैकड्रॉप को ड्रॉ करना है तो इस ऑप्शन को हम लोग ओपन कर लेंगे यूजिंग द पेंट एडिटर ऑप्शन. पेंट एडिटर ऑप्शन ओपन करेंगे
सेलेक्ट करेंगे, उसमें से आपको डिफरेंट टूल्स मिलेंगे। डिफरेंट टूल्स में आपको, जैसे आपने पेंट प्रोग्राम में देखा होगा, उसमें आपको डिफरेंट टूल्स है, जैसे पेंट है, ब्रश है, सॉरी ब्रश टूल है, इलिप्स टूल है, रेक्टेंगल टूल है, आपको ब्रश के डिफरेंट ब्रशेस हैं, कलर्स डिफरेंस हैं, इरेजर ऑप्शन है, टेक्स्ट ऑप्शन है। तो उसी तरह से यहाँ भी ये सारे टूल्स आपको लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट रहेगा, और उसमें से टूल्स को सेलेक्ट करने के बाद हम उसको स्क्रीन पर, स्ट्रेच स्क्रीन पर उस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। सरप्राइज, दिस ऑप्शन एड ए रैंडम बैकग्राउंड फ्रॉम द बैकग्राउंड लाइब्रेरी टू द स्टेज एंड अपलोड बैकग्राउंड, हाउ टू अपलोड द बैकग्राउंड, देन दिस ऑप्शन लेट्स यू अपलोड ए पिक्चर फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर एज ए न्यू बैकग्राउंड, व्हेन क्लिक इट्स ओपन द डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, द लेट्स वी चूज एन इमेज टू अपलोड। इसमें जो आप अपलोड बैकग्राउंड करेंगे वो ये डिफरेंट एक लाइब्रेरी आपको ओपन हो जाएगी, और उस लाइब्रेरी से जिस पिक्चर को हम अपलोड करना चाहते हैं उस पिक्चर को सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन अपलोड द पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन। देन हाउ टू असाइन, कैसे हम इसको स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, देन सेलेक्ट द बैकग्राउंड पैन, देन क्लिक द चूज अ बैकड्रॉप ऑप्शन और बटन फ्रॉम द बैकड्रॉप लाइब्रेरी अंडर आउटडोर कैटेगरीज, क्लिक ऑन द जुरासिक बैकग्राउंड। जुरासिक की नहीं, आपके लाइब्रेरी में और भी बहुत सारे बैकड्रॉप हो सकते हैं, उसमें किसी भी बैकड्रॉप को आप सेलेक्ट कर लोगे और उसका यहां पर जुरासिक के प्लेस पर आपको आपके बुक में दिया हुआ है उसके स्थान पर आप दूसरा भी बैकड्रॉप ऑप्शन को दे सकते हैं। देन डिलीट द कैट स्प्रिक्ट एंड क्लिक ऑन चूज द स्प्रिक्ट बटन एड टू डिसॉल्व डायनासोर्स स्प्रिक्ट फ्रॉम द स्प्रिक्ट लाइब्रेरी। तो ये आपको जो है यहां पर देखिए इस तरह से इन द स्प्रिट एरिया क्रिएट द स्टॉक्स ऑफ ब्लड ब्लॉक एज शोन इन द इमेज लाइक दैट। ये आप देख रहे हैं यहां पर ये पिक्चर को दिया है, और ये इस तरह से जो है जो सिंपल इमेजेस फॉर प्रोजेक्ट आर गिवन, तो ये ग्रीन फ्लैग बटन डिफरेंट है, इसमें हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द ब्लॉक, ब्लॉक कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। सो ब्लॉक और इंटरलॉकिंग पीसेस दैट आर यूज टू क्रिएट कोड इन स्ट्रेच, ब्लॉक और इंटरलॉकिंग पीसेस दैट आर यूज टू क्रिएट कोड इन स्ट्रेच। सो लेट अस लर्न अबाउट ब्लॉक इन स्ट्रेच, कैसे हम लोग ये ब्लॉक के बारे में इस स्क्रेच में पढ़ेंगे। ब्लॉक क्या है, ब्लॉक कितने टाइप का होता है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉक। सो मोशन ब्लॉक, लूप ब्लॉक एंड इवेंट ब्लॉक, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स। तो ये डिफरेंट टाइप्स के ब्लॉक्स हैं। फर्स्ट है मोशन ब्लॉक, व्हाट इज द यूज ऑफ मोशन ब्लॉक इन स्ट्रेच। मोशन ब्लॉक इज यूज टू मूव द टर्न द स्प्रिट इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये डिफरेंट डायरेक्शन में जो है ये मूव करने का काम स्प्रिट को करता है। सो देयर आर डिफरेंट मोशंस हैव गिवन इन योर बुक लाइक दैट, ये देखिए आपको डिफरेंट आपको बुक्स ये मोशंस दिया हुआ है। ये आपको फर्स्ट है, फर्स्ट आपका मूव स्टेज, मूव्स द स्प्रिट फॉरवर्ड बाय स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ स्टेप्स एंड देयर आर सो मेनी ब्लॉक्स हैव गिवन इन योर बुक्स एंड एक्सप्लेन। लूप ब्लॉक और पर्पल कलर आर यूज टू कंट्रोल द विजुअल लुक ऑफ द स्प्रिट्स। सम ऑफ ब्लॉक्स आर
ये लूप ब्लॉक है आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपको बुक में जो दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे हेलो एंड हेलो सेकंड्स, ये आपको और भी ये बहुत सारे ब्लॉक्स दिए हुए हैं जो कि आपके लूप ब्लॉक के रूप में इसका अलग अलग फंक्शन है आपके स्क्रेच ऑप्शन में। जैसे हेलो एंड सेकंड्स डिस्प्ले स्पीच बबल्स अबव द सेलेक्टेड स्क्रीन फॉर स्पेसिफाइड टाइम। तो इस तरह से आपको डिफरेंट ब्लॉक है एंड हाउ टू क्रिएट द न्यू प्रोजेक्ट बाय मूविंग, सो क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट ऑप्शंस, देन वी इन द स्प्रिंट एरिया क्रिएट द स्टॉक्स ऑफ ब्लॉक्स एज शोन इन द इमेजेस, क्लिक ऑन ग्रीन फ्लैग बटन टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट, द स्प्रिंट ग्लाइड अराउंड द स्टेज एंड चेंज इट द इट्स साइज एंड कलर। तो इस तरह से हम जो है उसके साइज को उसके कलर को इस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। सो इवेंट ब्लॉक द ब्लॉक इन इवेंट कैटेगरीज और येलो कलर, ये लूप ब्लॉक कैसा कलर था, पर्पल कलर का था, ये किस कलर का है, ये येलो कलर में होता है। दीज ब्लॉक आर यूज टू कंट्रोल द इवेंट्स, ये इवेंट को कंट्रोल करने का काम करता है। देयर आर डिफरेंट इवेंट ब्लॉक लाइक दैट, ये आपको डिफरेंट इवेंट ब्लॉक है जो कि आपकी बुक में वेन क्लिक, वेन क्लिक, वेन द फ्लैग इज क्लिक द कोड रन्स। तो जब हम फ्लैग को क्लिक करेंगे तो कोड रन करेगा, तो इसके इस ऑप्शन के द्वारा करेंगे। और भी दो ऑप्शंस हैं जिसके द्वारा डिफरेंट ऑन ट्रेसिंग स्पेसिफाइड की फ्रॉम द लिस्ट द कोड रन्स, व्हेन द स्प्रिंट इज क्लिक द कोड रन्स, देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ इवेंट ब्लॉक्स। फॉर एग्जांपल लाइक लेट अस वी वांट टू क्रिएट ए प्रोजेक्ट टू मूव द स्प्रिंट ऑन द स्टेज यूजिंग द एरो की ऑन द कीबोर्ड्स, how to create it, then first of all create a project, new project, then click on split areas, there are same things, and split area, then create the stacks of blocks as shown in the images, then click on the green flag buttons to execute the project, so press the left and right arrow key to make the cat moves left to left or right on the stage। तो ये लेफ्ट और राइट एरो की के द्वारा आपकी कीबोर्ड में फोर टाइप्स की एरो होती है, जो लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, उसकी के द्वारा जो है आप यूज करके उसकी के माध्यम से हम लोग लेफ्ट और राइट स्पेस को कैट को मूव करा सकते हैं। नेक्स्ट है मेकिंग ए प्रोजेक्ट, हाउ टू मेक ए प्रोजेक्ट इन स्ट्रेच ऑप्शन, प्रोजेक्ट को कैसे बनाएंगे। So let us now combine our knowledge of the spreads, the block and backdrop to create a project of birthday party. एक birthday party का project create करना है, कैसे आप create करेंगे। So first of all create a new project and delete the cat spirits, delete the cat spirit. In the backdrop pane click on choose a backdrop option or backdrop button and add party background from the indoors categories. Now click it, choose a sprint and buttons and add a away and Devin's sprint under the people categories. Under the people categories and take part tag party hats and gift sprint under the all categories options. तो ये चूज अ स्प्रिट ऑप्शन में होगा, देन चेंज द डायरेक्शन, उसके डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर देंगे, द डेविन स्प्रिट बाय टाइपिंग एट 90 इन द डायरेक्शन बॉक्स इन द स्प्रिट इनफो पैन, देन क्रिएट ए स्टैक ऑफ ब्लॉक, अगेन जो है क्रिएट स्टैक ब्लॉक को क्रिएट कर देंगे, देन क्लिक ऑन ग्रीन फ्लैग्स
button to execute the project. Some sample images of the project as given below, like that. ये पहले आप देखें यहाँ पर किया, ये जो डायरेक्शन को चेंज किया, डायरेक्शन को चेंज करने के बाद ग्रीन फ्लैग को आप बटन को किया एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट. सो यहाँ पर जो है आप एक ब्यूटीफुल जो है आपको ऑप्शंस प्रिपेयर्ड हो जाएगा. सो मैं मेकिंग ए प्रोजेक्ट ऑफ बर्थडे पार्टनर्स. सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड टुडे. ये चैप्टर आपका यही में फिनिश हो रहा है और ये एक तरह से न्यू चैप्टर्स है. और इसको जब आपका ये स्कूल खुलता है तो मैं आपको ये यहाँ पर लैब में एक बार दिखा दूंगा. ये एज ए पेंट प्रोग्राम है, पेंट प्रोग्राम की तरह से है. इसमें एनिमेटेड वीडियो उसको कैसे आप एनिमेट करेंगे, डिफरेंट ब्यूटीफुल पिक्चर कैसे बनाएंगे, जैसा कि मैंने बताया है, तो उसको भी इसी तरह से इस स्क्रैच ऑप्शन में बनाते हैं और बना करके आप डिफरेंट तरह के कलर से कलर करते हैं. सो दिस ये चैप्टर ये फिनिश होता है. इसका क्वेश्चन आंसर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे और जहां भी आपको प्रॉब्लम समझ में आता है सुबह 8 से 9 बजे के बीच में आप क्वेश्चन कर सकते हैं. थैंक यू.